यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल का संकट बरकरार है। लोगों को जरूरत के हिसाब से लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा। दरअसल लखनऊ में तेल की दो बड़ी कंपनियों ने करीब 1,00,000 लीटर तक के पेट्रोल और 80,000 लीटर तक के डीजल की कटौती की है। वहीं कंपनियों ने साफ मना कर दिया है कि उधार में तेल नहीं दिया जाएगा। ऐसे में शहर में डिमांड के अनुसार तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही और गांव में भी अकेलत बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल पंप के पास डिपो से तेल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में शाम होते होते तेल खत्म हो जाता है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ कंज्यूमर्स ने यह भी बताया कि नॉर्मल पेट्रोल न मिलने की वजह से लोगों को प्रीमियम XP 95 पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। कुछ पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जो दो दिन से बंद पड़े हैं। तेल की कमी की वजह से पेट्रोल पंप अब टंकी फुल नहीं कर रहे और लोगों को कम ही तेल दे रहे हैं। वहीं कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि सप्लाई नॉर्मल है, सभी को डिमांड के हिसाब से ही पेट्रोल डीजल मिल रहा है। हालांकि जानकार यह बता रही हैं कि तेल कोटे में 15-20% की कटौती हो रही है। बताया जा रहा है कि अब कंपनियां तेल देने से पहले डायरेक्ट पेमेंट मांग रही हैं, जबकि पहले आउटस्टैंडिंग पर ही काम हो जाता था। पंपों के पास पैसा न होने की वजह से कम ही तेल मंगवा रही हैं और लोगों को दिक्कत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।